हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में। अगर आप चैनल में न्यू हैं तो आप सबको पता ही है कि क्या करना है। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा नीचे एक बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट करना है ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप सबको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ साथ मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन वीडियोज़ बनाती हूँ, रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ आपके फेवरेट ब्लॉगर्स, कॉन्ट्रोवर्सीज, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड, इन सबसे रिलेटेड। तो अगर आपका भी कोई फेवरेट अगर है या कोई ऐसा बंदा जो प्रॉब्लमेटिक और आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं या उस पर रिएक्शन दूं अपना, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। तो उसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरी कल की वीडियो पे आप सबने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड किया था और आपने बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया था। मैंने हमेशा से ही आप लोगों को बोला है कि जनता जनार्दन सब कुछ जानती है और मेरे से ज़्यादा अच्छे से जानती है। रिएक्शन देने का मतलब यही होता है कि हम तथ्यों को, चीज़ों को अच्छे से क्लियरिटी के साथ प्रस्तुत कर सकें, सामने प्रेजेंट कर सके, ताकि सामने वाले के मन में किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए कोई भी गलतफहमी डेवलप ना हो। क्योंकि हर बंदा अपनी हर बार सफाई नहीं दे सकता और जैसे कि आप जानते ही हैं कि बसंती की जिंदगी और लाइफ में जो चीज़ें हुई हैं, जो घटना उसके साथ घटित हुई है, उसके बाद उसके ऊपर कई तरीके के दोषारोपण किए जा रहे हैं, कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और इस समय वो इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने ऊपर लगे हुए हर एलिगेशन का, हर चीज़ का जवाब दे पाए। तो क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ये ऑडियंस को पता होनी चाहिए, माध्यम चाहे कोई भी बने। तो यस, रिएक्शन चैनल्स इसी तरीके से काम करते हैं कि किसी भी इंसान तक या किसी भी ऑडियंस तक कोई गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन ना हो, जो चीज़ें सच हैं और जो चीज़ें हो रही हैं वही एग्जैक्टली पता चलें। सबसे पहले मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि मैंने अपनी कल की वीडियो में आप सबको बताया था, जहाँ पे लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि इन्होंने यानी कि बसंती जी ने अनिता जी की नकल मार के, उनकी हिरस करके अपने बच्चे को जो है दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा, उसकी पढ़ाई के लिए वहाँ पर भेजा, वो कॉम्पिटिशन करती हैं और बस हिरस हिरस में ही वहाँ पर भेजा। जिसके जवाब में मैंने ये भी बोला था कि हर माँ को हक है कि वो अपने बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा देना चाहती है तो वो दे सकती है और हर चीज़ हम दूसरे से देख के ही सीखते हैं। हर बंदा माँ के पेट से चीज़ें सीख के नहीं आता, दुनियादारी से सीखता है, अगल बगल से सीखता है, आस पड़ोस से सीखता है, अपने से ऊपर लोगों से सीखता है, अपने से नीचे लोगों से सीखता है, लेकिन सीखता है। तो अगर वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख रही है तो उस सीख को हम बुरा नहीं कहेंगे। लेकिन उसके ऊपर कल एक कमेंट मेरे को आया जिन मैडम ने एक मुझे एक चीज़ क्लियर करी। मैं सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच कि आपने ये चीज़ें क्लियर करी और आपके जैसी ऐसी बहुत सारी ऑडियंस है जो कॉमेंट सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें मुझे क्लियर करती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्लियर होनी चीज़ें ज़रूरी हैं। आप लोग मुझे क्लियर करेंगे और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बाकी की जनता को वो चीज़ें क्लियर करती हूँ। तो वहाँ पर उन मैडम ने बताया कि जो बसंती ने अपने बेटे को यानी कि गोलू को जो पढ़ने के लिए भेजा था, उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये भी था कि वो घर में बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। पापा की नशे की लत की वजह से वो घर में बहुत ज़्यादा परेशान रहता था और कहीं ना कहीं ये भी रीज़न था कि बसंती ने अपने बच्चे को दूर भेज दिया था ताकि उसकी पढ़ाई लिखाई में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, वो एक अच्छी अपब्रिंगिंग मिले, उसको एक अच्छा भविष्य मिल जाए। तो ये बात मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे कॉमेंट सेक्शन में कल बताई, तो वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। उसके अलावा जैसे कि आप जानते ही हैं कि अभी तक भी दोषारोपण खत्म नहीं हो रहे हैं। बार बार बच्चों को इतना मजबूर किया जा रहा है कि वो बच्चे बार बार आके अपना जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, अपनी सफाई दे रहे हैं। आज उनके पिताजी को गए हुए पूरे 15 दिन हो चुके हैं। छोटी सी एक वीडियो गोल्डी ने बनाई थी जो उन्होंने शॉर्ट्स के माध्यम से बनाई थी, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि हमारे यहाँ 13वीं नहीं, हमारे यहाँ 16वीं होती है और 16वीं को ही सारे कार्यक्रम होते हैं, जहाँ पर पंडितों को भी खिलाया जाता है और भंडारा भी किया जाता है। तो सारा घर परिवार इस समय भंडारे की तैयारी कर रहा है और गोल्डी ने स्पेशली अपनी वीडियो में ये बताया कि घर में कौन कौन लोग जो हैं वो तैयारी में लगे हुए हैं। मतलब कहीं पे भी उनकी वीडियो में इस बात का जिक्र नहीं था कि लाला जी और उनकी फैमिली कहीं से कहीं तक भी कोई सपोर्ट कर रही है। तो मेरा सवाल ना बस यही है कि सपोर्ट क्यों नहीं करा जा रहा है, या सपोर्ट अगर करा जा रहा है तो सपोर्ट दिख क्यों नहीं रहा है। मैं ये ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती कि बहुत ज़्यादा आप लोग कुछ चीज़ें दिखाओ, बट मैं इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप किसी एक वीडियो में अपने भाई के नाम की कोई श्रद्धांजलि देते, अपने भाई की याद में कुछ फ़ोटो लगाते, अपने भाई की याद में 4 लाइन्स बोलते, अपना दुख तो प्रकट करते। क्योंकि अगर आप अपना दुख दिखाएंगे नहीं तो ऑडियंस को आपका दुख समझ में आएगा नहीं। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर जो दिखता है वही समझ में आता है और वही बिकता है। अगर आप ये सोच
रहे हैं कि हम कुछ नहीं दिखाएंगे और अपनी रेगुलर व्लॉगिंग दिखाते चले जाएंगे, तो ट्रॉलिंग का शिकार आप लोग होते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपके परिवार का एक इंसान दुनिया छोड़ के गया है और हर इंसान ये उम्मीद करता है कि परिवार का एक एक बंदा कम से कम श्रद्धांजलि तौर पर अपना दुख तो प्रकट करे। अगर आप किसी के साथ के पल लड़ाई झगड़े में दिखा सकते हो, तो किसी के जाने के बाद आप अपना दुख तो प्रकट कर ही सकते हो कि आप लोगों को इस समय क्या फीलिंग्स आ रही हैं, आप लोगों ने आगे की क्या प्लानिंग्स करी हैं, क्या आप लोग बच्चों के साथ हैं, क्या आप लोग बसंती के साथ हैं, आप लोगों की फैमिली की तरफ से उनको क्या सपोर्ट हो रहा है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे और फिर आप पे उंगलियां भी नहीं उठे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप अगर कुछ नहीं करेंगे तो उंगलियां आपके ऊपर उठेंगी, इन उंगलियों को उठने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वहां पे घर के बाकी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, बच्ची बोलती हुई नजर आ रही है, लेकिन आपका परिवार आखिर गायब है कहाँ। मुंडन का व्लॉग डाला था, जिस मुंडन व्लॉग में आपने जो है वो गोलू को दिखाया था, जिसमें आप लोग ये बताना चाह रहे थे कि हाँ आप लोग साफ सफाई में हैं, वहाँ से ऑडियंस को थोड़ी तसल्ली मिली कि हाँ आप लोग घर के काम में हाथ बटा रहे हैं। लेकिन सोलवी में भी जब इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में गोल्डी ने एक बार भी अपने बड़े पापा बड़ी मम्मी का नाम क्यों नहीं लिया कि उन लोगों का भी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है तभी तो उस बच्ची ने लिया। उसके बाद कुछ लोगों का ये कहना है कि बसंती को उसके घर वाले उसके मायके वाले भड़का रहे हैं। मायके वाले भड़काएंगे तो बाद में ये सोचे कि मायके वाले कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो आज उसके साथ करने वाला कोई नहीं होता। प्लस दूसरी बात ये है कि बच्चों को बार बार इतना मजबूर किया जा रहा है कि पापा की मौत पे बच्चों से ही जवाब मांगा जा रहा है। कम्युनिटी पोस्ट में डे वन पे जिस दिन इनके साथ ये दुर्घटना घटी, उसी दिन कम्युनिटी पोस्ट में उन्होंने पूरा सिनेरियो शेयर कर दिया था, जिसमें लिखा था प्रॉपर बकायदा कि ऐसे ऐसे पापा की कुएं में गिरने की वजह से ऐसा ऐसा हो गया, पापा ऐसे ऐसे कुएं में गिरे, उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट किया था। उसके बाद उसने एक वीडियो भी डाली, जिस वीडियो में शुरू में वो कहीं रो रही थी, रोते हुए ये बोल रही थी कि पापा इनारा में गिर गए, और वहां पे लोग इस बात से कंफ्यूज हो रहे हैं कि पहले इन्होंने बोला कि पापा नाले में गिर गए और अब ये बोल रहे हैं कि पापा कुएं में गिर गए। तो आप लोग वो वीडियो जाके दोबारा जरूर देखना, उसने नाला नहीं बोला था, गोल्डी ने नाला नहीं बोला था, उसने इनारा बोला था, और मैंने भी ये कंफर्म किया और कमेंट सेक्शन से भी मुझे पता चला कि नारा मतलब कि कुआं, इनकी भाषा में इनारा को कुआं बोलते हैं। तो जब वो वीडियो दिखा रही थी या बना रही थी तो वो ये बोल रही थी कि पापा इनारा में गिर गए हैं और मिल नहीं रहे हैं, तो नाला शब्द उन्होंने यूज़ किया ही नहीं, डे वन से वो लोग कुआं शब्द ही यूज़ कर रहे हैं, और इतना मजबूर उन बच्चों को कर दिया कि आज फिर से आके उनको वापस से सारी चीज़ें बतानी पड़ रही हैं। आप ये सोचिए कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर बार बार आप उसके जख्मों को खुरेदोगे उन मासूम बच्चों को, तो वो कितनी बार अपनी सफाइयाँ देंगे। कभी कुछ लोग आके बोलते हैं कि ये बच्चे अपनी माँ के साथ मिले हुए हैं, इन बच्चों ने जानबूझ के अपने पापा के साथ ऐसा किया, ये तो पापा से छुटकारा ही पाना चाहते थे। उसके बाद बोला जाता है कि ये तो औरत अपनी पति से लड़ती रहती थी, ये तो छुटकारा ही पाना चाहती थी। भैया दुनिया में औरत आदमी हस्बैंड वाइफ के सब जगह झगड़े होते हैं, चाहे गाँव हो, चाहे देहात हो, चाहे कोई मेट्रो सिटी हो, चाहे कहीं पे भी हो, हर जगह पे हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े होते हैं, लेकिन ऐसा मन में विचार कोई नहीं लेके आता। अगर उसके मन में इतना कुछ विचार होता तो आप लोगों ने तो उसकी जर्नी देखी होगी, जिस समय बसंती के हस्बैंड को शराब पीने की लत थी, वो उसे ढूंढती रहती थी, वो फिर भी काम करती थी, फिर भी काज करती थी, फिर भी उसको दो रोटी खाने के लिए देती थी, लेकिन ऐसे मन में इच्छा उसके कभी नहीं आई। तो अगर किसी की ज़िंदगी से कोई इंसान चला गया है तो आप उसी के दुखती रग में और बार बार नमक छिड़क रहे हो और उन बच्चों को परेशान कर रहे हो कि उन बच्चों को बार बार आके ये बताना पड़ता है कि नहीं ऐसा ऐसा हुआ था। एक बार फिर आप सबकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं भी ये चीज़ें बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से एक बार बता देती हूँ ताकि आप उन बच्चों को और उस परिवार को बार बार परेशान ना करें। कुआं था, कुएं में गिरे, एक दो घंटे तक कुएं के अंदर मिले नहीं। हुआ यूं, आप लोगों ने उनके आंगन पे देखा होगा कि जहाँ पे सरसों का है उन्होंने एक हट जैसी बना रखी है, तो वहाँ से उसके जो पापा हैं वो सरसों उठा रहे थे, सरसों को छान रहे थे, एक रस्सी उन्होंने बांधी थी, वो कुएं की मुंडेर पे बैठे हुए थे, उनके हाथ से रस्सी टूट गई, और जब भी कोई रस्सी टूटती है तो इंसान को झटका लगता है एकदम, आप लोग ये चीज़ समझते होंगे। और सरसों का जो पेड़ होता है, सरसों की जो चीज़ें
होती हैं वो थोड़ा स्लिपी भी होती हैं, और प्लस अगर कोई रस्सी टूटती है तो इंसान को झटका लगता है। तो उसके पापा को झटका लगा और वो उसकी वजह से कुएं में गिर गए। उस वक्त उनके दादाजी वहीं पर मौजूद थे, मम्मी वहीं पर थी। जैसे ही आवाज़ मारी गई, उनकी मम्मी भाग के आई, उन्होंने आस पड़ोस के बहुत सारे लोगों को बुलाया। लोगों ने अपने एंड पे बहुत सारी कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी पापा कुएं के अंदर मिल नहीं रहे थे। तकरीबन एक घंटे के आसपास के बाद वो कुएं से मिले। जब उन्हें कुएं से बाहर निकाला गया तो उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन हॉस्पिटल ले जाते रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उसके बाद बहुत लोग क्वेश्चन ये भी कर रहे हैं कि अगर कुएं में इतना बड़ा हादसा हो गया तो कुएं में अभी भी झाड़ कैसे लगी हुई है, वो झाड़ क्यों नहीं कट करी गई वहाँ से। इतना बड़ा इंसिडेंट वहाँ पर हुआ तो ये झाड़ तो पहले काटनी चाहिए थी। तो जिस जगह पर वो गिरेंगे, जिस साइड से वो गिरे थे, उस साइड के झाड़ आपने देखा होगा कि वहाँ से कुआँ प्लेन है। हर जगह पर कुआँ के चारों तरफ झाड़ नहीं है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, और जिस तरफ से वो गिरे थे वहाँ पर एक अच्छी खासी स्पेस है देखने के लिए भी और निकालने के लिए भी। और जब इंसान के साथ ऐसा इंसिडेंट होता है तो वो काटने में ध्यान नहीं देता है, उसका फोकस ये होता है कि मैं कैसे इस इंसान को बाहर निकालूं, मुझे ये इंसान दिख क्यों नहीं रहा है। इतना ध्यान किसी का नहीं जाता है कि पहले वो काटे या टाइम वेस्ट करे। आप समझ रहे हो, एक मिनट की कीमत होती है। वो पहले टाइम वेस्ट करते, उस झाड़ को काटते, फिर उनको ढूंढते। जब उन्हें सब कुछ दिख रहा था ऊपर से, लेकिन वहाँ पे इतना मलमल पड़ा हुआ था, नीचे इतना कुछ पड़ा हुआ था कि उसमें जब वो गिरे होंगे कीचड़ टाइप का ही आप समझ लो, क्योंकि खुला कुआं है, बारिश भी होती होगी, धूल मिट्टी भी जाती होगी, तो बहुत चीज़ें जो होंगी वो चिपचिपी होंगी, तो उसमें वो धंस गए। वहाँ पे धंसने की वजह से वो नजर नहीं आए होंगे उसके अंदर, आप समझ रहे हैं। तो जितनी स्पेस थी वो स्पेस सफिशिएंट थी उन्हें देखने के लिए। तो मैं फिर से यही बोलूंगी कि बार बार बच्चों को ना इस तरीके से परेशान ना किया जाए, बार बार उनको इतना मजबूर मत किया जाए कि वो बार बार आके एक ही स्टोरी को आपको रिपीटेटिव मोड पे बार बार सुनाए। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग ये भी जिक्र कर रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा था तो सीसीटीवी कैमरे का क्या करना है, आप लोगों को यहां पे क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्या आप लोग किसी डिपार्टमेंट से हैं कि आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन प्रूफ चाहिए कि भैया उस दिन पूरा इंसिडेंट क्या हुआ था, और आप सब लोगों को यहां पे प्रूफ चाहिए। एक इंसान आपको मुंह से बता रहा है तो आपको प्रूफ किस बात का चाहिए, मुझे समझ नहीं आता कि जिसके साथ ट्रेजेडी हुई है प्रूफ भी उसी से चाहिए। यही सेम सिनेरियो सपना के साथ भी हुआ कि सपना की जिंदगी में इतनी बड़ी हलचल हो गई और उसी बंदी से बार बार प्रूफ मांगा जा रहा था। और सेम अब इनके साथ हुआ है कि इन्हीं के घर में हादसा हुआ है और आप लोगों को प्रूफ भी इनसे चाहिए कि प्रूफ दो हमें कि हम सीसीटीवी देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था। अरे अभी सिर्फ 15-16 दिन हुए हैं, उनका घर अभी तक बिखरा हुआ है, घर में लोग हैं जो उनका घर संभाल रहे हैं, उनकी मम्मी अभी इस कंडीशन में नहीं है कि अपने घर को संभाल पाए। घर में अगर मामी नहीं होती या मौसी नहीं होती तो अभी तक उनके घर की क्या स्थिति होती। वो तो मामी मौसी ने वो पूरा घर संभाला हुआ है, थोड़ा उन्हें रिकवर तो होने दो, उनको ठीक तो होने दो। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो आप लोगों के साथ सब चीज़ें शेयर करें, लेकिन सही चीज़ सही समय पर मांगा करो। इस तरीके से किसी के दुख का ना मजाक बनाओ ना उसके दुख पर शक करो, थोड़ा सा समझदारी से काम लो। और मुझे नहीं पता कि लाला इस समय पे क्या कर रहे हैं, बट मैं यही एक्सपेक्ट करूंगी आप लोगों से कि आप कुछ नहीं कर सकते, और अगर आप कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो भी दिखाइए, और अगर नहीं कर रहे हैं तो भी बोल दीजिए कि हमें कोई लेना देना नहीं है, तो सामने वाला आपसे उम्मीद करना ही छोड़ दे। घर के सब लोग करते हुए नजर आ रहे हैं और आपके घर में इतने बड़े बड़े मतलब अच्छे खासे जवान लड़के हैं, लड़की है, आप लोग खुद हैं, लेकिन आप लोग दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे हो। तो अगर कर रहे हो तो वो भी दिखाओ, क्या फील कर रहे हो वो भी बताओ, क्या इमोशंस चल रहे हैं वो भी बताओ, आगे की कुछ प्लानिंग आप लोगों ने करी है तो वो भी दिखाओ। बट दिखाओ, दिखाना इस समय पे बहुत ज़रूरी है, बताना इस समय पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बताएंगे नहीं तो ये ट्रॉलिंग ख़त्म होगी नहीं। आपके सब्सक्राइबर जाके बसंती जी को टारगेट कर रहे हैं, बसंती जी के सब्सक्राइबर उन्हें डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कंट्रोवर्सी का समय नहीं है, ये पुराना वक्त नहीं है जिस कंट्रोवर्सी में शायद आप सब लोग शामिल होंगे या आप लोगों ने देखी होगी, ये वो वक्त नहीं है। ये टाइम भी अलग है, ये वक्त भी अलग है। यहाँ पे एक दूसरे के फैंस के बीच में जंग नहीं है, शिकायत सिर्फ इतनी है कि लाला जी घर के बड़े हैं और बहुत बड़ी घटना इनके घर में घटी है, लाला जी को कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, सिर्फ इतनी सी बात है। देना चाहते हैं तो वो भी बता दें, नहीं देना चाहते वो भी बता दें, लोग जज करना छोड़ देंगे, उम्मीद लगाना छोड़ देंगे। एक्चुअली ये सारी चीज़ें ना सिर्फ उम्मीद की वजह से हो रही है कि अभी भी कुछ लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद लाला जी लोग संभाल लेंगे, लेकिन जब वो नहीं दिख रहे हैं तो ऑडियंस को नाराज़गी हो रही है। हालांकि मुझे लगता है कि बसंती को किसी की ज़रूरत नहीं है, उसके बच्चे बहुत समझदार हैं और सबसे बड़ी बात कि मेहनती हैं, वो
अपना पालन पोषण घर बार चला लेंगे। लेकिन एक बात होती है, एक एक्सपेक्टेशन होती है, एक उम्मीद होती है, एक होप होती है। तो वो होप है बस ऑडियंस की नज़र में, ऑडियंस के दिल में। बाकी वो होप आप लोग क्लियर करो कि वो होप रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, या ये क्लियर करो कि आप लोगों को करने ही नहीं दिया जा रहा है। या तो ये हो सकता है कि आप लोग करना नहीं चाह रहे हो, या ये हो सकता है कि आप लोगों को करने नहीं दिया जा रहा है, या दादाजी आपको मना कर रहे हैं, या बसंती आपको मना कर रही है, या बसंती के मायके वाले आप लोगों को मना कर रहे हैं कि वो लोग नहीं चाहते कि आप लोग इन्वॉल्व हो। लेकिन क्लियर तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि क्लियर नहीं करोगे तो इसी तरीके से ट्रॉलिंग बढ़ती रहेगी, ऑडियंस को क्लियरिटी नहीं मिलेगी। तो जो भी सच है, जो भी चीजें चल रही हैं, आई रिक्वेस्ट कि सामने से वो चीजें बताओ, क्योंकि इस तरीके की एक दूसरे को हेट देके कोई भी फायदा नहीं है। ये हेट का वक्त ही नहीं है। और बसंती को इस तरीके से जो हेट कॉमेंट्स आ रहे हैं, आके उसके ऊपर एलिगेशन से आरोप लगाए जा रहे हैं, तभी क्लियर होंगे जब पता चलेगा कि या तो वो काम नहीं करना चाह रहे हैं या उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। दोनों में से एक ही चीज सच होगी। वो चीज क्या सच है वो बेटर ये फैमिली ही जानती होगी, या जब ये लोग बताएंगे तभी पता चलेगा। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड यस, प्लीज़ ऐसे ही आप कमेंट्स करते रहिए। बहुत सारी चीज़ें आप लोग क्लियर कर रहे हैं। मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों की बात सुनती भी हूँ, उसके बाद मैं क्लियर भी करती हूँ। तो इस पूरी सिचुएशन से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पता है, थोड़ा सा भी कुछ जानकारी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर अप करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड यस, जब तक गलत फहमियाँ चलती रहेंगी तब तक रिएक्शंस बनते रहेंगे, क्योंकि कोई भी गलत फहमी की वजह से मैं नहीं चाहती कि बसंती का परिवार डिस्टर्ब हो या बसंती के ऊपर इसी तरीके से लोग आरोप लगा पाएं, क्योंकि इस समय बसंती इस स्टेज पे नहीं है कि वो अपने लिए स्टैंड ले पाए। जिस दिन वो अपने लिए आवाज़ उठाने लायक हो जाएगी, अपने कमेंट्स का आंसर देने लायक हो जाएगी, उस दिन शायद हमारी ज़रूरत भी ना पड़े। लेकिन जब तक वो इस हालत इस स्थिति में नहीं आती, तब तक उसके ऊपर कोई भी सवाल आएंगे तो उसके ऊपर रिएक्शंस आएंगे। ये था मेरा अभी तक का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।